चलो गुड इवनिंग सब लोग, जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाओ। सबको शेयर करो। देवकी शुक्ला गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो मैसेज करो, ऑडियो वीडियो सही है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रानी कुमारी गुड इवनिंग। आपको कहा है प्राथमिक इमेल की पहचान किसके द्वारा कर सकते हैं? प्राथमिक इमेल की पहचान ए में एच सी एल, बी में सी एच सी एल थ्री प्लस के ओ एच, सी में एन ओ एच और डी में सी एच सी एल थ्री। सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी एल, सी एल सी एल। इसका नाम लिखा जाए 1.1.1 ट्राई क्लोरो मिथेन। और साथ में भी के ओ एच हो, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों आपस में मिलके जलीय अवस्था में होने के बाद आसानी से प्राथमिक एमीन का पहचान कर लेता है। सर प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है सभी जानते हैं, CN H2N plus 1 into NH2। ये प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। इसमें आप जो भी पुट करो जहां से भी ये प्राथमिक एमीन ही आपको देगा। सपोज N का मान 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, CH3 NH2। इसे हम लोग मिथाइल एमीन कह सकते हैं। कौन सा है, मिथाइल एमीन। और ये मिथाइल और एमीन जब यहाँ दो परमाणु आपस में दो अलग अलग समूह मिलके एमीन का निर्माण कर रहा है तो सिंपल सी बात सोचो HCl तो कभी होगा नहीं, NaOH भी नहीं होगा, CH3 होगा, परंतु उसके साथ कौन आएगा, KOH। कौन आएगा, KOH। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कारवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है।
खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? बोलो, ए शॉटकी दोष, बी फ्रेंकल दोष, सी एब्सेंटर, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बोलो। रानी कुमारी, देवकी, आरजेडी। सबका एग्जाम होने दो, बिल्कुल मिला देंगे, टेंशन मत लो। अभी सबका एग्जाम नहीं हुआ है, दो चार का भी एग्जाम हुआ है और नहीं पढ़े हो, ये तुम्हारी गलती है। हम जो भी क्लास में पढ़ाए सारा चीज उसमें मिल रहा है। अभी कुछ और का एग्जाम हो जाने दो। चलो बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। देखो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इस प्रकार के जो याद है रासायनिक रिक्तियों में रासायनिक रिक्तियों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या केंद्र कहलाता है। कौन केंद्र कहलाता है? एफ केंद्र कहलाता है। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताया था क्रिस्टलों में दोष, क्रिस्टलों में दोष एनसीईआरटी मुख्य रूप से तीन प्रकार का देता है। पहला असाइक्मेट्रिक दोष जो स्ट्राइक पर होता है, दूसरा नॉन असाइक्मेट्रिक जो नॉन स्ट्राइक पर होता है। असाइक्मेट्रिक दोष नॉन असाइक्मेट्रिक दोष एनसीईआरटी के हिसाब से सोचे तो तीसरा दोष कौन सा होता है? बिंदु दोष। कौन सा दोष? बिंदु। अब यहाँ स्टाइकोमेट्रिक दोष की बात करें तो स्टाइकोमेट्रिक दोष टू टाइप का होता है, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। ये शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष है। यदि नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष का बात करें वो भी दो प्रकार का होता है, घनायनिक अधिक्य के कारण और ऋणायनिक अधिक्य के कारण। अब कहता है रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? ध्यान से देखना, खाली स्थान कौन सा स्थान? खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया जाता है तब कौन सा? अब जैसे खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की बात किया है तो सिंपल सी बात तुम सोचो, ये जब भी होगा तो एफ केंद्र होगा। कौन सा होगा? एफ केंद्र। और एफ केंद्र का मतलब होता है ठीक है एफ केंद्र का मतलब होता है फॉरवेन, और फॉरवेन का मतलब होता है रंग या कलर, रंग या कलर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप किसी खाने वाला सामान को किसी कोने में रख दो और दो साल के बाद देखो, फिर उसका कलर देखो, ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाता है। तो एफ केंद्र, एफ सेंटर का मतलब फॉरवेन होता है। क्या होता है? और फॉरवेन का मतलब क्या होता है? रंग या कलर। इसका मतलब क्या होता है? रंग या कलर। अब रंग या कलर में परिवर्तन तभी होगा जब ऋणायनिक रिक्तियों में खाली स्थान उपस्थित होगा। याद रखना, ऋणायनिक रिक्तियों में खाली स्थान होगा। हमारा आंसर क्या है? सी। आंसर क्या होगा? सी। यही सब बात करने के लिए आता है आरजेडी। नहीं पढ़ना हो तो चैनल पर मत आया करो। राजेश गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कहा है CaNO3 का होल ट्वाइस में वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक निम्न में से क्या होगा? ए में एक, बी में दो, सी में तीन और डी में चार। D
डी में चार, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, फटाफट। आंसर भेजो। श्री जी इसका कैलकुलेशन करें तो ध्यान से देखना क्या दिया है, सी ए का कितने मोल, एक मोल, और एनओ थ्री का होल ट्वाइस, एनओ थ्री का होल ट्वाइस। अब इसकी गणना करें, काउंटिंग करें तो बता ये एक मोल, तो एक प्लस ये कितने मोल, दो मोल, तो टोटल कितने आ गया, तीन। तो वांट ऑफ गुणांक की बात कर रहा है तो कितना आ रहा है, तीन। अब देखो कौन सा ऑप्शन में तीन है, जिसमें है उसमें टिक करो, सी, सी इज राइट आंसर। रवि रंजन केवल एक आंसर भेजा है सी, बाकी लोग भी लगता है प्रताप पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर का, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, ए एच सी एच ओ, बी एच सी डबल ओ एच, सी सी एच थ्री सी डबल ओ एच, डी सी एच थ्री सी एच ओ। प्रवीण गुड इवनिंग, बोलो। का कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होगा, सिंपल सी बात है, इस पर याद रखना, जैसे फॉर्मेट कहा याद रखना क्या, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेट का बात किया, क्या टिक करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड जानता है किससे बनता है, फॉर्मल्डिहाइड, और जानता है एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, सीएल। अब सर फॉर्मल्डिहाइड बनने के लिए कंडीशन क्या पूरा होता है, n का मान क्या रखो, शून्य, पहले भी बता चुके हैं, सी जीरो एच दो में जीरो प्लस वन इंटू सी एच। अब बताओ सी जीरो, केमिस्ट्री में सी जीरो का मतलब एक, एच जीरो का मतलब एक, पी जीरो का मतलब एक, केमिस्ट्री में गुणों में पावर होता है, मथवा में नहीं। तो सी जीरो एच दो में जीरो प्लस वन, अब इसमें योग के रूप में है सी एच, इसका मान है कि इसका कितना एच एक हो जाएगा, सी एच ओ, क्या निकल के आया, एच सी एच ओ। अब ध्यान से देखो यही हमारा क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। यही क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। अब बोलो इसका ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ए एच सी एच ओ, अरे एच सी एच ओ, मयंक रवि, मयंक एच सी एच, राकेश, रानी, परवीन, राजेश, ए करेक्ट एच सी एच। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलो तुम बनाओ, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट कॉमा माइनस 2.50 वोल्ट और 0.50 वोल्ट है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम निम्न में से होगा, ए ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, बी ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, सी सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, और डी बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। जल्दी जल्दी बताओ अपचयन विभव का मान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रॉयल बादशाह ए, राजा हिंदुस्तानी डी, राकेश बी, विवेक डी। डी वाले का सही जवाब, अब क्यों है डी ये कारण समझो, ठीक है, ध्यान से देखना। ए के लिए आपका क्या दिया है जी, बोलिए सर, ए के लिए दिया है ना सर, देख बाबू ए बी सी, ए के लिए प्लस 0.68 वोल्ट, बोल बाबू बी के लिए क्या दिया है जी, सर बी के लिए माइनस 2.5
50 वोल्ट। सर सी के लिए क्या दिया है, देखो आप, सर सी के लिए दिया है माइनस नहीं, ये प्लस ही है, प्लस 0.50 वोल्ट। अब आपसे कहा है क्या, ध्यान देखना, आप चयन का, तो आप चयन का मतलब होता है सबसे कम न्यूनतम, न्यूनतम मान का क्रम आगे रखा जाता है। न्यूनतम मान का क्रम याद रखना, कभी भी अपचयन आ जाए तो न्यूनतम मान का क्रम, यदि आपसे अपचयन शक्ति पूछे, यदि यही आपको ऑक्सीकरण पूछता तो न्यूनतम मान का क्रम आगे नहीं बल्कि पीछे होता, कहां होता, पीछे। अब का अपचयन शक्ति तो न्यूनतम मान का क्रम आगे रखे। अब चलो तुम बताओ तीनों में से सबसे कम, सबसे न्यूनतम कौन है? सर सबसे कम माइनस वाला, के बाबू जी माइनस वाला, माइनस वाला लिख दो, के बाबू माइनस वाला, तो सर माइनस 2. बोल बाबू 50 वोल्ट सबसे पहले आ गया। सर ओकर बाद के है, सर तो ज्यादा को रस कमी है को सी, तो बोलो सी में के है, सर 0.50 वोल्ट। सर एकर बाद के वो बचलो लास्ट, लास्ट में के हो जी 0.68। इसी को आप एबीसी के रूप में सजाओ, ये किसका मान था जी, बी का, ये किसका था जी, सी का, ये किसका था नुहा, ए का। अब आप ऑप्शन मैच करो, कौन है जी, जल्दी जल्दी मैच करो, बोल नुहा कौन है वो। अरे अभी भी नहीं, मेरा लाइक और शेयर करेगा तो किसका करेगा, तुम एग्जाम भी देख लिया है और स्टार्टिंग से ही बार बार मैं आपको समझा रहा था कि आप सेंटअप का एग्जाम दो, उसमें नहीं सारा क्वेश्चन मैच करेगा तब बोलना, अभी फाउंडेशन मेन एग्जाम आने दो, उसके बाद तुम देखना। खास करके केमिस्ट्री का पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ये आप नहीं, आपके लिए हम मेहनत करेंगे और डेली कर रहे हैं, बस आपका एक ही काम है, आप आइए और क्वेश्चन को गौर करके देखते रहिए और कुछ नहीं आपको करना है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको मोस्ट बीबीआई करिए, ये आपका एग्जाम में आएगा तो आएगा, मोस्ट बीबीआई, ठीक है। इस क्वेश्चन में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा जल्दी जल्दी, इसमें आपको डाउट है तो बोलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, कभी भी अपचयन की बात करें तो न्यूनतम मान का क्रम आगे रखा जाता है, याद रहेगा, न्यूनतम मान का क्रम आगे रखा जाता है, तो न्यूनतम कौन था, माइनस 2.5 आगे रखा, फिर इसके बाद न्यूनतम कौन है, सर ये है 0.50 उसको रख लिया, फिर न्यूनतम कौन है 0.68, सर ये बी वाला पहले था, फिर सी था, और फिर कौन था, ए था। ऑप्शन टिक करो, कौन है ऑप्शन, लो पवन आया है बिना देखे बी आंसर भेज रहा है, क्या बात है पवन, तुम्हारी तो तारीफ करना पड़ेगा गौरव, बी आंसर है बी सी ए। अगला क्वेश्चन, एंजाइम क्या है, चलो बताओ जल्दी जल्दी यार, और शेयर करो बाबू सबको, बोलो फटाफट, एंजाइम क्या है, ए कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड, सी प्रोटीन, डी इनमें से कोई नहीं, सी चंदन, बिल्कुल। सर आपने क्लास में पढ़ाया था ना सर, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, याद करो क्लास में आपको पढ़ाए थे, क्या था जी, एंजाइम एंजाइम
एक प्रकार का, कल भी तो बता रहे प्राकृतिक प्रोटीन है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सरलिपिड भी नहीं है, तो कौन होगा? प्रोटीन, सी सही है, इनमें से कोई नहीं गलत है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, बिल्कुल मयंक सही है, अभिषेक प्रोटीन, नितिन सी, चंदन, पवन, रोयाल, बादशाह, शंकर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 7 में आपको क्या कहा, बोल बाबू। सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है, ए फेम प्लावन विधि द्वारा, बी विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, सी भर्जन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं, बताओ। अभिषेक, ए मयंक, रोहित, रोशन आया है, रोशन, मयंक, शुभम, मधु, मयंक, रानी, ए फेम प्लावन विधि द्वारा, बिल्कुल सही है। देखो सल्फाइड एस्को का सांद्रण जब भी होता है किसके द्वारा? फेम प्लावन विधि। फेम प्लावन विधि सर विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा क्या होता है? तत्वों का शुद्धिकरण, तत्वों का शुद्धिकरण। सर भर्जन द्वारा क्या होता है, याद है? जब किसी वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो भर्जन कहलाता है। सिंपल याद रखो, तुम भर्जन करोगे तो ऑक्सीजन रहेगा तभी ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन करो, भर्जन करो, भर्जन करो, भर्जन। ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में किसी वस्तु को, किसी वस्तु को जलाया जाता है भर्जन कहलाता है। भर्जन कहलाता है। चंदन, रोशन, अंशु कुमारी, ए। अच्छा आंसर क्या हो गया? ए करेक्ट, ए इज राइट आंसर, फेम प्लावन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटिंडल प्रभाव पाया जाता है, ए विलयन में, बी अवक्षेपण में, सी सॉल में, डी वाष्प में। टिंडल याद है? टिंडल प्रभाव एक अंधेरे कमरे में सूर्य की आती हुई रोशनी, उस रोशनी में ढेर सारे धूल कण का दिखना और लगातार उस धूल कण का बढ़ते रहना क्या कहलाता है, बताओ। टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल प्रभाव में निम्न में से क्या हो सकता है? ए विलयन के रूप में, बी अवक्षेप के रूप में, सी सॉल के रूप में, और डी वाष्पों के रूप में। किसमें होगा? सी सॉल में। राहुल, अभिषेक, सॉल। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, सॉल किस चीज का बना होता है? सॉल, सॉल किस चीज का बना होता है? सॉल हमेशा विलयन का बना होता है। और विलयन के कारण टिंडल प्रभाव की घटना घटित होती है, अर्थात
धूल करने एक बिलियन सोल कहलाता है। जो बिलियन बिले प्लस विलायक के कारण बने होते हैं, अर्थात टिंडल प्रभाव की घटना केवल बिलियन में देखा जा सकता है। अरे तुम्हारी बात सही है, सॉल्व होगा, परंतु ये प्रभाव घटित कहाँ हो रहा है? जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता था, प्रकाश कमर दिखाई देने लगता है, प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन वहां जो बनने वाला कण होता है वो क्या होता है? सौर थोड़े होता है, पहले बिलियन होता है ना, और बिलियन ही सौर के रूप में कन्वर्ट करता है। यदि आपको सौर और बिलियन दोनों ऑप्शन दे तो हम लोग सबसे पहले क्या टिक करेंगे? यहाँ सबसे पहले हम लोग ए टिक करेंगे और बिलियन टिक करेंगे, ठीक है? इसीलिए मैं इतना आपको एक्सप्लेन किया हूं कि सौर हमेशा बिलियन का बना होता है। ध्यान से देखना, सॉल हमेशा बिलियन का बना होता है, बिलियन के कारण टिंडल प्रभाव की घटना घटित होती है, अर्थात धूल कण एक बिलियन सॉल कहलाता है। जो बिलियन विलायक के कारण बने होते हैं, अर्थात टिंडल प्रभाव की घटना केवल और केवल बिलियन में देखा जा सकता है। इसका आंसर बिलियन होगा। चलो अगला सवाल। क्वेश्चन में आपको कहा है, क्वेश्चन नंबर 9, कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच एल्किल हैलाइड, क्या था आपको? हैलाइड, याद रखना, हैलाइड एक्स तथा सोडियम के बीच से कौन से अभिक्रिया होती है? याद करके टिक करो। ए ऊर्जा अभिक्रिया, बी कोलबा अभिक्रिया, सी क्लेमेंसन अभिक्रिया, और डी इनमें से कोई नहीं। सर 9 का ये राहुल का सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट है। गुड राहुल, गुड नन, गुड राहुल इज राइट। कैसे सर? देखो तो क्या कहा है इसे? ऊर्जा अभिक्रिया, याद है सर? आर सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस कितने मोल? 2 मोल सोडियम प्लस की आर सिंगल बॉन्ड एक्स से अभिक्रिया करवाते हैं। कौन सी करवाते हैं? अभिक्रिया। सर इसको सजा लीजिए, अभिक्रिया करवा दीजिए। बोल बाबू, आर सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस सोडियम के 2 मोल, तो एन ए सिंगल बॉन्ड एन ए, क्या करिएगा जी? एक्स सिंगल बॉन्ड आर। अब बोलिए के यहां से जाएगा सर? ई यहां से चल जाएगा ना सर? सर ई यहां से चल जाएगा बाबू, के जाएगा बोले सोडियम NaX निकल जाएगा सर। बनेगा क्या? आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस कितने? 2 मोल NaX। देखो हैलाइड के रूप में कि नहीं, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु सोडियम के बीच अभिक्रिया करने वाला अभिक्रिया कहलाता है। ये ऊर्ज अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? ऊर्ज अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है जी? ऊर्ज अभिक्रिया। सारा बैच चल रहा है, कोई बैच बंद नहीं है। क्यों बंद होगा बैच? सोनू बाबू गुड इवनिंग, चंदन कितने बार बोले? यही मैसेज करने के लिए आता है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में भार पड़ता है। कोई बैच बंद नहीं है। और पिछले जो भी पढ़ाए हैं अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? सर ये कौन सी अभिक्रिया? ऊर्जा अभिक्रिया। ऊर्जा अभिक्रिया में याद रखना बाबू की एल्किल हैलाइड
एल्काइल हैलाइड आर एक्स, सोडियम आर एक्स। सर दो एल्काइल बना तो निकल के क्या है सर, एल्केन बना, कौची बना, एल्केन का निर्माण हुआ। और साथ में कितने मोल, सर दो मोल सोडियम हैलाइड का निर्माण हुआ, कितने मोल, दो मोल सोडियम हैलाइड। अब एग्जाम चल रहा है तो किसको नहीं पता है, तुमसे हम पूछ रहे हैं एग्जाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पढ़ना है तो पढ़ो, फालतू की बकवास मत करो, सबको पता है एग्जाम चल रहा है, बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब सर कोल्बे अभिक्रिया याद है, कोल्बे अभिक्रिया में क्या हुआ था, और कोल्बे अभिक्रिया में भी सर एल्केन ही बना था, उसमें भी एग्जैक्ट एल्केन ही बना था। देखो कोल्बे अभिक्रिया में भी कुछ नहीं सर किए, क्या CH3 और साथ में क्या लिए, सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ CH3 सिंगल बॉन्ड COOH ने जब इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो यहां पर CH3 एक साथ ले CH3 एक साथ, ये हमारा CH3 क्या बन गया, इसे हम लोग इथेन करते हैं, क्या करते हैं, एल्केन का इथेन बन गया, ठीक है। सर शेष क्या बचा, सर यहाँ दो मोल तो दो मोल बन गया CO2। अब यहाँ से CO ये दोनों एक साथ ले लिए, सर कितने मोल, दो मोल CO2 गैस निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कै गो सोडियम निकला, सर दो गो सोडियम निकल गया, कै गो सोडियम, दो गो सोडियम। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया किए तो दो मोल पानी भी आ गया बाहर, इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण आया है दो मोल पानी, किसके कारण है, इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण दो मोल पानी। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये कोल्बा है, कौन सी अभिक्रिया, कोल्बा, कोल्बे के नाम से हम लोग पढ़े थे भी, लोल मार दिया नकलोलबा बन गया कोल्बा, कोल्बा। सर दोनों में एल्केन बन रहा है सर, हाँ बिल्कुल, देखो ऊर्जा अभिक्रिया में भी सर एल्केन बना, सर कोल्बा अभिक्रिया में भी एल्केन बना, लेकिन इसने कहा कि एल्किल हैलाइड और सोडियम, एल्किल हैलाइड और सोडियम, इसमें तो हैलाइड नहीं भाग लिया ना सर, तो बताओ कौन अभिक्रिया में भाग लिया, ऊर्जा अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, ऊर्जा। सर एक और अभिक्रिया दिया क्लेमेंसन, क्लेमेंसन भी चेक कर लेते हैं इसमें है कि नहीं, देखो क्लेमेंसन में भी एल्काइल की बात करें तो एक भी एल्काइल दिखा, एल्काइल तो दो है, लेकिन सर हैलाइड की बात करें तो एक भी हैलाइड इसमें नहीं है। सर ये आर फोर एल्काइल डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सर ये कीटोन है, कीटोन में जेनेन एच डी और एच सी एल और दो मोल एच प्लस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो पता है ये भी एल्केन बन रहा है, ध्यान से देखो तुम, ये भी एल्केन है, यानी कि डाई एल्काइल, डाई एल्काइल, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मीथेन, डाई एल्काइल मीथेन। अब एल्काइल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या लेंगे, और साथ में जल बन गया। सर कहने का मतलब है कि जो अभिक्रिया दिया गया है, तीन अभिक्रिया अपने को दिया गया है सर, पहला अभिक्रिया क्या है ऊर्जा अभिक्रिया, दूसरा है कोल्बा अभिक्रिया, तीसरा है क्लेमेंसन अभिक्रिया। सर तीनों अभिक्रिया में एल्केन बनेगा सर, बिल्कुल सही बात है, तीनों में एल्केन बनेगा सर, इसमें भी एल्केन बनेगा सर, कोल्बा में भी एल्केन बनेगा सर, इसमें इसमें भी एल्केन बनेगा। अब आपको कह रहा है बाबू कि इसमें कौन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आपको हैलाइड के साथ, किसके साथ, हैलाइड के साथ सोडियम भाग ले रहा है, सर केवल और केवल ऊर्जा अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया जिसमें सोडियम के साथ आपका हैलाइड एक्स, एक्स बोले तो क्या सर सी एल बी आर आई और एफ, ये भाग लेता है और ये आसानी पूर्वक कंप्लीट करता है और एल्केन का निर्माण करता है। तो हमारा यदि इसमें टिक करने की बारी है तो कौन होगा, यही होगा, ए इज ए करेक्ट आंसर, ए राइट है आपका, ठीक है। यहाँ तीनों अभिक्रिया के बारे में हम लोग व्याख्या कर लिए, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का CrH2O का होल फोर Cl2+ में संकुल Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, निम्न में से, आपसे कहा है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अंक आप बताइए, जबकि मैं आपको बता देता हूं
कि सर H2O की वैलेंसी हमेशा जीरो होती है राशि होने के कारण, सर क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, सर क्रोमियम क्या क्या मानोगे x सपोज करोगे, तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ हमको आंसर क्या होगा। सर a में +1, b में +3, c में +5, b में +6 दिया है, आप आंसर बताओ। बादशाह ए, परवीन ए बी सी तीनों दिया है, परवीन सन्स ए, बोलो मयंक राहुल, दस का ए, राकेश बी, राहुल ए, चलो सब लोग जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मयंक बी, चंदन बी, चलो कैलकुलेट करते हैं क्या देता है। दिया है क्या क्रोमियम H2O का होल फोर Cl2, ये प्लस है, सर इसको आपने x सपोज किया ना, H2O का 4 है, सर H2O की वैलेंसी आपने 0 बताया, क्लोरीन का कितना 2 में सर -1 होता है, बराबर सर प्लस में है +1 हो जाएगा, x प्लस 0 -2 इक्वल टू +1, बोलो x -2 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू +1 और +2, तो x इक्वल टू कितना +3, +3 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर, बी, बी सही, बी आपका करेक्ट है। मैं परवीन, राहुल, रोशन, चंदन, नितिन, चंदन, राजा हिंदुस्तानी, बी, बी 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 करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्लास में जो किए उस पर आते हैं, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, रिवीजन हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले SO2 का निर्माण किए थे, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करने के लिए 1 मोल सल्फर और 1 मोल ऑक्सीजन गैस लिए थे, तो SO2 का निर्माण हुआ था। दूसरा था SO3 का निर्माण, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण 1 मोल सल्फर और 1 मोल ओजोन-3 गैस के रूप में लिए थे, तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ था। अगला था SO4 का निर्माण, 1 मोल सल्फर और 2 मोल SO2 मिलाए थे, आपस में SO4 का निर्माण हुआ था। अगला हम लोग किए थे क्या, H2SO4 का निर्माण, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्ट VBI हम लोग के लिए है, ये एग्जाम में आता है H2SO4 का निर्माण, इसी को विट्रोल का तेल कहा जाता है, इसी को एसिडो का राजा कहा जाता है, इसी को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, इसी को सान सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, इसी को तने सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, इसी को रसायनों का राजा कहा जाता है, रसायनों का। अब ये मुख्य रूप से 2 विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, पहला शीश कक्ष विधि और दूसरा संपर्क विधि। शीश कक्ष विधि में सबसे पहले 2 मोल NO गैस ने O2 गैस में मिलाया तो 2 मोल NO2 गैस बन गया, अब वापस यही 2 मोल NO2 गैस कहां लाया और 2 मोल SO2 गैस में मिलाया तो की बन गया 2 मोल SO3 गैस बन गया, साथ में 2 मोल NO बाहर निकल गया। पुनः हम जब SO3 गैस को लाए हैं और पानी मिला दिए तो इसमें की बन गया H2SO4 जो एसिडो का राजा किंग कहलाता है, इसीलिए इसको तनु या सांद H2SO4 या एसिडो का राजा भी बोल सकते हैं। दूसरा विधि हमारा संपर्क विधि है, संपर्क विधि में टोटल 4 पद उपस्थित होते हैं, इन 4 पदों के द्वारा H2SO4 का निर्माण किया जाता है। इन 4 पदों में से सभी पदों को बारी बारी से व्याख्या करते हैं, पहला पद में कहा है सल्फर में ऑक्सीजन गैस मिलाया जाता है तो SO2 गैस का निर्माण होता है, वापस से SO2 गैस में जब O2 गैस मिलाते हैं B2O5 की उपस्थिति में तो 2 मोल SO3 गैस का निर्माण होता है। पुनः तीसरा पद में जब SO3 गैस में अल्प मात्रा में अशुद्धि अवस्था में H2SO4 को मिला देते हैं तो हमारा H2S2O7 बनता है, क्या बनता है H2S2O7, जिसे हम लोग ओलियम कहते हैं, ओलियम के रूप में आगे जाके इसका निर्माण पुनः करेंगे। वापस से चौथा स्टेप में जब चलते हैं तो चौथा स्टेप में होता है H2SO4 यानी कि H2S2O7 ओलियम में पानी मिलाते हैं, तो ओलियम में पानी मिलाने पर हम लोगों को शुद्ध अवस्था में H2SO4 का निर्माण होता है, यानी कि यह हमारा कॉन्टेक्ट प्रोसेस संपर्क विधि कहलाता है। कौन सा विधि? संपर्क विधि कहलाता है।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं ओलियम के निर्माण पर। ओलियम का सूत्र होता है H2S2O से। बल्कि एग्जाम में कई एक बार पूछा जा चुका है, यदि SO3 में H2SO4 मिलाया जाता है, SO3 में H2SO4 मिलाते हैं तो H2O7 का निर्माण होता है। H2SO7 का निर्माण होता है जिसे ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओलियम। यदि ओलियम के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किया जाए तो ओलियम का ऑक्सीकरण अंक कैलकुलेट करेंगे तो कितना +6 के रूप में आएगा। +6 के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। क्या H2SO7 H2O7 इसको हम लोग x मान लेंगे तो की निकल के आएगा 2×1 प्लस कितना x, लेकिन x को ने कितना 2 प्लस कितना 7×-2=0। अब ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 2x और माइनस से 14, अब घटा तो 2x-12=0 मतलब 2x बराबर कितना 12। अब कैंसिल करो तो x इक्वल टू कितना 6 आ जाएगा। ये +6 इसका ऑक्सीकरण अवस्था आ गया है। अब नेक्स्ट आगे आते हैं हैलोजन परिवार पर। कौन सा परिवार पर? हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार 7 के ये वर्ग में उपस्थित होता है। हैलोजन परिवार का निर्माण फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन और TS के आपस में मेल मिलाप से होता है। स्टैटिक टेम्परेचर बाहर IMT ट्यूजडे को। इसकी यदि परमाणु संख्या का बात करें तो 8, 18, 18, 32, 32 ठीक से जोड़ेंगे तो इनमें से 8 जोड़ते हैं तो 17, 17 में से 18 जोड़ते हैं तो 35, 35 में 18 जोड़ेंगे 53, 53 में 32 जोड़ेंगे 85, 85 में 32 जोड़ेंगे 117 के रूप में प्राप्त होता है। इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा दर्शाते हैं ताकि इसके बाद तक कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कर्मस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके ऑक्सीकरण अंक के रूप में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया जा सके। सबसे पहला देखते हैं ये बोले तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। 1s2 2s2 2p 5 यानी कि 2 2 4 5 4 9 के रूप में आ रहा है यानी कि 2s2 2p 5 क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5 यहां बाहर कोष में 3s2 और 3p 5 होता है। ब्रोमीन के 25 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d10 4p 5 इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। डी को पहले ले आते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 और 3d10 4s2 और 4p 5 यानी कि सर ध्यान से देखा जाए तो 2s2 2p 5 3s2 3p 5 यहां भी देखा जाए तो 4s2 4p 5 इसका सामान्य विन्यास की बात करें तो NH2NP 5 होता है। सामान्य विन्यास NH2NP 5 होता है। बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन को देखें तो 2 और 5 कितना हो गया 7 आ गया। तो इसका यानी कि सबके स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल में ऑक्सीकरण अंक की सभी के बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लगभग बराबर होता है। एफ का +7 सी का +1 बी का +7 आई का +7 एटी का +7 और TS का +7 के रूप में उपस्थित होता है। चलो तो क्लास में हम लोग जो भी पढ़े हैं सब टोटल के टोटल रिविजन कर लिए हैं। अब आज तो कुछ ऐसा इसमें बचा नहीं है। 12th क्लास का क्रैश कोर्स, 12th का क्रैश कोर्स न्यू बैच ऑफलाइन दस से ग्यारह 18-10 से और 6-7 21-10 आप सभी लोग अपने दोस्तों को एक बार जरूर बोलें और उन्हें भेजें। चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और जो लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और आज हम जो किए हैं आपको होमवर्क करके लाना है। H2 क्वेश्चन लिख के लाना है। जिनका छूट गया है एग्जाम चल रहा है लोड किया हुआ है आप उसे नोट कर लें कृपया करके। जो घर में है कहीं भी है यूट्यूब से खोल के उसको आप नोट कर लें ताकि आपका क्लास नहीं छूटे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। सभी को
गुड नाइट एंड टेक केयर। जिनका क्लास मिस हो रहा है नोट कर लेंगे। टेक केयर, गुड नाइट।